हे गाइस व्हाट्स अप, सो वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया में बुलेट ट्रेन आने वाली है, तो उसी की टेस्टिंग चल रही है। अभी ये टेस्टिंग के लिए मेरे पास आई हुई है। हमें इसमें टेस्ट करना है कि क्या इन्फ्रा हमारा उसके हिसाब से सेट है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम टेस्ट कर रहे हैं ये रेलवे फाटक की, जो आप सब ने देखा होगा कि नॉर्मली ऐसा होता है बंद है तो नहीं आते हैं, और उसको मैनुअली ऊपर करता है एक गार्ड जो होता है, और उसके बाद नॉर्मल इंसान वहाँ से ऐसे निकल जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि भारत में कितने तेजस्वी लोग हैं, देखिए पूरा ट्रेन का वेट करते आने का फिर निकलते हैं आराम से। लेकिन ऐसा आप बुलेट ट्रेन के साथ नहीं कर सकते, ये आपके लिए और आपकी कार दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो इसके लिए हमने सॉल्यूशन बनाया है ऑटोमेटिक रेलवे फाटक, जो दिख रहा है ग्रीन वाला। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक ब्रेड बोर्ड, एक एंडिनो यूनो बोर्ड, एक सेंसर, कुछ जंपर वायर्स और एक सर्वो मोटर। तो सबसे पहले हम लेंगे एक ब्रेड बोर्ड, उसके ऊपर अपना जो सेंसर है वो लगा देंगे किसी भी एक कॉर्नर में, फोर पिंस में से लगा दीजिए आराम से, पुश एंड डन। अब हमें इसको कनेक्ट करना है जंपर वायर से, तो फोर जंपर वायर ले लीजिए और इनको फोर पिंस के जो सेंसर के हैं उनके सामने लगा दीजिए। ये जो चार पिन आपने लगाई हैं, जो चार वायर हैं, VCC, ट्रिगर, इको एंड ग्राउंड, इन चारों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। VCC पावर के लिए है, ट्रिगर और इको आपके प्रोग्रामेबिलिटी कंट्रोल होंगी, और फोर्थ वन इज़ ग्रीन जो आपका ग्राउंड है। तो इसको हमें अभी बोर्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा अपने, तो उसको कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे ऑरेंज को, तो ऑरेंज हमारी है ट्रिगर, तो ये हमने प्रोग्राम में सेट कर रखे 9, तो इसको हम 9 पे सेट कर देंगे। येलो इज़ इको, ये हमने सेट कर रखे प्रोग्राम में अपने कोड में 10, तो इसको हम 10 पे पिन कर देंगे। रेड हमारा VCC है जो कि पावर सप्लाई के लिए, तो इसको हम प्लस में डाल देंगे। ग्रीन इज़ फॉर ग्राउंड, सो इसको हम माइनस में डाल देंगे। सो ये दैट्स इट, डन। नेक्स्ट स्टेप, हम सर्वो मोटर कनेक्ट करेंगे। तो सर्वो मोटर में 3 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट वन इज़ फॉर सर्वो कंट्रोल, सेकेंड इज़ फॉर पॉजिटिव एंड दिस वन इज़ नेगेटिव। सो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कंट्रोल ऑफ सर्वो, सो हम इन तीनों को बोर्ड में कनेक्ट कर देंगे अब। तो पॉजिटिव रेड एंड नेगेटिव इज़ माइनस, सो ये दोनों कनेक्ट हो गए हैं। अब हमें सर्वर कंट्रोल कनेक्ट करना है, ये हमें प्रोग्राम में सेट कर रखा है 9 पे, तो हम इसे 9 में पुश कर देंगे 9 नंबर पिन पे, लाइक दिस। ये हमने अपना फाटक बना रखा है, तो इस फाटक को हम मोटर में कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप, हमको अपने बोर्ड को पावर सप्लाई देनी है, तो उसके लिए एक वायर लीजिए और 5 वोल्ट में कनेक्ट करके इसको पॉजिटिव में कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से, और यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए और ब्रेड बोर्ड के अंदर माइनस से कनेक्ट कर दीजिए। अब हमें इसमें अपना कोड अपलोड करना है, तो इसमें USB केबल को अटैच कर कनेक्ट करके लैपटॉप से कनेक्ट करिए, और लैपटॉप में अपना आर्डिनो ID ओपन करिए। ओपन करने के बाद इसमें हम अपना कोड, पहले से रखा हुआ है हमने कोड करके, तो हम इसको जस्ट ओपन करके इसमें कॉपी पेस्ट कर देंगे। जैसे कि पहले बताया था, ये ट्रिगर और इको पिन है जो हमने कोड में डिफाइन कर रखी है 10th और 11th पे, और सर्वो हमारी जो मोटर है वो हमने अटैच कर रखी है 9 पे। ये ट्रिगर और इको पिन हो गए। डिस्टेंस हमने 20 सेंटीमीटर रखा हुआ है, कि 20 सेंटीमीटर आते हुए हमें इन्फॉर्म कर दे कि हमें उसके क्या नेक्स्ट प्रोसेस करना है। अभी फ़िलहाल हम उससे अपना गेट जो ऑटोमेटिक ओपन कर रहे हैं। तो कोड होने के बाद कोड को सेव कर दीजिए। सेव आप जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं, मैं डेस्कटॉप पे लोकेशन पे कर रहा हूँ। तो सेव करने के बाद हमने कोड इसको अपलोड कर दिया है, तो हमारा कोड अपलोड हो गया है। अब ये सब टेस्टिंग के लिए रेडी है, तो इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये फुल सेटअप है, तो ये हमारा ऑटोमेटिक गेट है ग्रीन वाला जो हमने नया लगाया है। सामने हमारा सेंसर जो हमें सेंस करके बताएगा कि हमारी ट्रेन यहाँ से क्रॉस हो गई है और हमें एक्शन कुछ परफॉर्म करना है नेक्स्ट। और ये हमारा रेलवे ट्रैक, और ये हमारी कार्स, और ये हमारा ऑटोमेटिक फाटक जो वेट कर रहा है कि कब
इस पे बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। तो चलिए बुलेट ट्रेन दौड़ा के देखते हैं। तो ये आई बुलेट ट्रेन और ये हमारा गेट है ओपन। और बुलेट ट्रेन आते ही सेंसर ने किया सेंस, और सेंस करते ही ये देखिए यहाँ पे हो गया फाटक नीचे, और बुलेट ट्रेन करी क्रॉस, और क्रॉस करते ही हो गया है फाटक वापस ऊपर। तो वापस आई ट्रेन और सेंसर ने किया सेंस, और सेंस होते गेट नीचे, और ट्रेन ने किया क्रॉस। तो अब यही खेल चलेगा 2-3 बार, आप देखिए और लीजिए मज़ा। इस एंगल से जैसे ही सेंसर के सामने आई, देखिए वैसे ही जो रेलवे फाटक है वो नीचे होना स्टार्ट कर देता है। लेकिन आप इंडिया में कितने ही फाटक लगा दीजिए, लोग ऐसे निकलना मानेंगे नहीं। वो थोड़ी सी जगह मिलते ही उसके नीचे से निकल जाएंगे और फुर हो जाएंगे। और उन्हीं लोगों को अगर गाड़ी दे दी जाए तो कोशिश करेंगे गाड़ी भी उसी फाटक के नीचे से निकल ही जाए, तो ठीक ही है। लेकिन आप बिल्कुल ऐसा ना करें, बुलेट ट्रेन के सामने ये आपकी जान और माल दोनों को हानिकारक हो सकता है।